Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Today's topic is Aude Saffron. आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि डॉक्टर हैनेमन ने सेकेंड एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन में गैलरिच की पोएम को रिप्लेस करके ऑडे सैफ्रे को क्यों यूज किया, ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या मीनिंग है इस टर्म का. But before we move on with today's lecture, do not forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon so that you never miss any updates from Inside Organon. Friends, ऑडे सैफ्रे जो हमारा आज का टॉपिक है, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू वर्ड्स, ऑडे एंड सैफ्रे. तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका वर्ड मीनिंग समझना पड़ेगा. तो पहला टर्म है ऑडे. इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ऑधर विच मीन्स टू डेयर. तो ऑडे सैफ्रे में जो पहला टर्म है ऑडे, उसका मतलब होता है ऑधर या फिर टू डेयर. टू डेयर इसका इंग्लिश मीनिंग है. और जो ऑडे वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है. वैसे ही जो हमारा नेक्स्ट टर्म है सैफिर, उसका मीनिंग है टू बी वाइज. तो अगर हम इन दोनों टर्म्स को एक साथ इसकी मीनिंग देखें तो ऑडे सैफिर मीन्स डेयर टू बी वाइज. आगे लिखा हुआ है डेयर टू नो. पी स्मिथ ने बोला कि ऑडे सैफिर का मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या है, Dare to know. आगे रिचर्ड हील बोलते हैं Have the courage of your own convictions, dare to be wise. तो आर हील ने बोला है कि जो ऑडे सैफ्रे का मतलब उनके अकॉर्डिंग होता है Have the courage to your own convictions. अपने convictions के ऊपर courage होना. And finally ये भी लिखते हैं dare to be wise. Now knowing more about this quotation, यहाँ पे लिखा हुआ है this quotation of Horace was used for the first time as the concluding words of his Medicine of Experience. तो जो होरेस थे इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी Medicine of Experience 1805 में. ये quotation ऑडे सैफ्रे first time उसी बुक में use किया गया था and that too during the conclusion, book के end में. This couplet of words appears on the title page of his second edition of Organon of Medicine in the place of Gallerich's poem till the 6th edition. और यही वो quotation है जो replace होकर किसकी जगह use किया गया था. This quotation was used as the place of Gallerich's poem. Gallerich's poem जो थी, जो फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन में लिखी गई थी, इंट्रोडक्टरी पेज पे, टाइटल पेज पे उसको चेंज करके क्या यूज किया गया था, उसकी जगह ऑडे सैफ्रे. और कौन से एडिशन तक, 6th एडिशन तक. फ्रेंड्स, अगर आपको ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के डिफरेंट एडिशन के बारे में जानना है तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, वो आपको आई लिंक पे मिल जाएगा, आप उसे विजिट करिएगा. आई एम श्योर दैट वीडियो विल बी हेल्पफुल. मूविंग ऑन. सो फ्रेंड्स, ऑडे सैफ्रे की मीनिंग को और डेप्थ में समझने के लिए हम एक हिस्ट्री में जाते हैं. दिस इज अ नॉर्मल हिस्ट्री. ये ऑडे सैफ्रे की हिस्ट्री नहीं है, उस कोटेशन की हिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये हिस्ट्री आपको उस टर्म के, उस कोटेशन के मीनिंग को समझने में हेल्प करेगी. तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन रिकॉर्ड्स विद ग्लूम ग्रिमनेस द ट्रेजेडी दैट एनी न्यू आइडिया इज अपोज्ड बाय ट्रेडिशनल वंस. तो हिस्ट्री, अगर हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री देखें तो आपने भी पढ़ा होगा कि कभी भी किसी भी न्यू आइडिया को, किसी भी न्यू एक्सपेरिमेंट को तुरंत लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है. उसको हमेशा ट्रेडिशनल्स के द्वारा या फिर ट्रेडिशनल वंस के द्वारा वो हमेशा अपोज किया गया है, मतलब उसका साथ नहीं दिया गया है, उसको दबाया गया है. एनी रिविलेशन ऑफ ट्रूथ इज लायबल टू बी सप्रेस्ड बाय द कंडीशन्ड थिंकिंग. कोई भी अगर ट्रूथ को रिवील करना हो तो उससे पहले लोग हमेशा सोचते हैं कि कंडीशन थिंकिंग करते हैं कि अगर ये पता चला तो क्या होगा, ये सच में सही है या नहीं है, और लोगों के मन में अलग अलग ख्याल आते हैं. ह्यूमन माइंड इज एनस्लेव्ड इन प्रेजुडाइस इन एंड ऑर्थोडॉक्सी. जो ह्यूमन का माइंड है हमारा, ये हमेशा बाइस्ड रहता है. ये कभी भी खुद के बल पे नहीं सोचता, कभी भी अपने थॉट्स को बाहर आने नहीं देता. फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से सोचे, हमारी हिस्ट्री में जाएं तो कभी भी कोई नया काम अगर हुआ है, कोई नई इनोवेशन हुई है, तो वो हमेशा खुद के माइंड से सोच के हुई है। सपोज न्यूटन ने भी ग्रेविटेशन को अगर फाइंड आउट किया तो उन्होंने अपने माइंड से सोचा कि ये एप्पल कैसे गिर रहा होगा और उन्होंने उसको फिर इन्फेरेंस उसका निकाला, उसको ऑब्जर्व किया और उसके बाद उन्होंने ग्रेविटेशन को बताया। अगर वो उस आइडिया को उन्होंने अपने दिमाग में दबा दिया होता या फिर उनको जो भी ऑपोजिशन ऑब्वियसली मिली होगी, लोग ये कहते होंगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऐसे ही बोल सकते हैं, इसका माइंड सही नहीं है, बंदा पागल है, ये वो। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने जो ऑब्जर्वेशन थी उसको ही अपनी मेहनत को उन्होंने सफल किया। किससे? ऑब्जर्वेशन से, और उसको अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कंक्लूड करके। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ह्यूमन माइंड जो है वो हमेशा बायस्ड हो जाता है। वो अगर अपने बल पे सोचे, जो आइडिया उसे आ रही है उसे सच में अगर यूज करे हमारी कंट्री के, हमारी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, तो वो अच्छा होता है। लेकिन लोग हमेशा बायस्ड हो जाते हैं, प्रेजुडाइज हो जाते हैं। दूसरे लोग जो भी सोचते हैं, जो उन्हें बताते हैं, वो सिर्फ उतना ही समझते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। It is difficult to introduce new ideas, advanced views in human mind. That is what I have already explained you कि कोई भी नई आइडिया या कोई भी नया इनोवेशन जब आता है तो लोग उसे तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते। The history of many who have risen to eminence in some particular branch of science teaches that they have done so under the most unfavorable circumstances and in spite of the greatest obstacles thrown in their way by fortune. तो यहाँ पे जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया न्यूटन का, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हिस्ट्री है हमारी वो ऐसे लोगों के, मतलब dozens of people हैं जो, जिन्होंने अपने कैलिबर पे, अपने माइंड पे, अपने माइंड के इनोवेटिव आइडियाज पे भरोसा किया। भले ही उनकी सिचुएशन बहुत अनफेवरेबल रही हो, उनको बहुत अनफेवरेबल कंडीशंस का सामना करना पड़ा हो, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस मिले हो, उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए हो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आइडिया को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, हैनेमन बिलोंग टू दिस क्लास ऑफ ग्रेट मैन। जो हैनेमन है, हमारे डॉक्टर हैनेमन, जिनको हम फादर ऑफ होम्योपैथी के नाम से भी जानते हैं, वो भी इसी क्लास के इंडिविजुअल से, इसी क्लास के ग्रेट मैन थे। वो भी अपनी जो माइंड है उस पे विश्वास रखते थे, वो प्रेजुडाइज्ड नहीं थे, वो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग नहीं थी उनकी, वो नई चीजों पे विश्वास रखते थे, नए इनोवेशंस पे विश्वास रखते थे। Now to understand more about Aude Sapre, यहाँ पे हमारे पास है opposition of homeopathy. Friends, no doubt at the time of Hahnemann, opposition homeopathy का हुआ होगा। सिर्फ होम्योपैथी का ही नहीं, डॉक्टर हैनेमन भी oppose हुए होंगे। उनके thoughts, उनकी ideas, उनकी books, everything, each and everything related to homeopathy was opposed. वो सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे हैं, बट हमें एक बात को ध्यान देना पड़ेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है Aude Sapre, उसका मतलब क्या होता है? डेयर टू बी वाइज। एंड नो डाउट डॉक्टर हैनेमन वाज डेयर टू बी वाइज। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हैनेमन का टाइम था और आज का टाइम है कि हम होम्योपैथी आज भी प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं हम होम्योपैथी प्रैक्टिस? सिर्फ इसीलिए क्योंकि डॉक्टर हैनेमन ने अपना एटीट्यूड उस वक्त पॉजिटिव रखा। उन्होंने उन सारे ऑपोजिशंस को पॉजिटिवली लिया। अगर उन सारे ऑपोजिशंस को झेलने के बाद डॉक्टर हैनेमन ने छोड़ दी होती होम्योपैथी, अपने जो आइडियाज आ रहे थे उन्हें ड्रॉप कर दिया होता, अपना जो एक्सपीरियंस था उसे शेयर करना बंद कर दिया होता, तो होम्योपैथी जो आप आज पढ़ रहे हैं वो इस लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाती। तो Aude Sapre जो डेयर टू बी वाइज है, इसका मतलब समझने के लिए हमें जो भी ऑपोजिशंस होम्योपैथी ने फेस किए हैं उसे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट है, व्हेन द फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन वाज पब्लिश्ड, अ स्टॉर्म of criticism ridicules started in Germany and Europe. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब Organon of Medicine का पहला एडिशन पब्लिश हुआ था उस वक्त एक तूफान क्रिटिसिज्म का एक तूफान आया हुआ था जर्मनी और यूरोप में, बिकॉज नो डाउट जो Organon है या फिर जो होम्योपैथी है दिस वॉज अ वेरी न्यू आइडियोलॉजी और इसकी वजह से इसे क्रिटिसाइज किया गया. ये एक नई आइडिया थी और हर नई आइडिया को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है और होम्योपैथी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ. आगे लिखा है ही वॉज ग्रेट ऑपोजिशन टू होम्योपैथी अटैक जनरल्स ऑफ द डे. तो जो जर्नल्स उस वक्त पब्लिश होती थी उसमें भी होम्योपैथी को अटैक किया गया. गन पॉइंट पे हमेशा होम्योपैथी रहती थी और होम्योपैथी को ही क्रिटिसाइज किया जाता था. बुक्स एंड पैम्पलेट्स वर कल्मिनेटेड अगेंस्ट हिम एंड हिज स्ट्रेंज डॉक्ट्रिन्स. तो डॉक्टर हैनमन की डॉक्ट्रिन्स को स्ट्रेंज कहा गया है और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि बुक्स एंड पैम्पलेट्स वर कल्मिनेटेड अगेंस्ट हिम. सो मैंने जो आपको बताया गन पॉइंट पे होम्योपैथी थी, नॉट ओनली होम्योपैथी, क्रिटिसिज्म के गन पॉइंट पे होम्योपैथी ही नहीं डॉक्टर हैनमन, Organon सब कुछ था. बुक्स एंड पैम्पलेट्स जो भी उस वक्त पब्लिश हो रहे थे वो सारी होम्योपैथी को क्रिटिसाइज करते थे, नॉट ओनली होम्योपैथी बट ऑल्सो डॉक्टर हैनमन. ही वॉज कार्लेटन, क्वैक एंड इग्नोरमस. लेकिन वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते थे. ही वॉज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक. वो हमेशा पॉजिटिव आइडिया रखते थे, पॉजिटिव माइंडसेट रखते थे एंड मोर ओवर ही वॉज वेरी डेयरिंग. अ मंथली जर्नल एंटी Organon वॉज पब्लिश्ड इन जुलाई 1810. फ्रेंड्स आप इस स्टेटमेंट से समझ रहे होंगे उस टाइम की क्रिटिसिज्म का लेवल कि आपने एक बुक पब्लिश की है Organon जो कि आपकी आइडियोलॉजी है, एक नई थिंकिंग है, लेकिन उसको अपोज करने के लिए, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए एक जर्नल पब्लिश हो गई है एंटी Organon नाम की. ठीक है, आगे लिखा है डॉक्टर साइमन स्टार्टेड अनदर जर्नल एंटी होम्योपैथिक आर्काइव. देख रहे हैं आप लोग, इसको ध्यान से देखिए कि कैसे एंटी Organon पब्लिश हुई, एंटी होम्योपैथिक आर्काइव पब्लिश हुई है. ये सब वो जर्नल्स हैं जो क्रिटिसाइज करती हैं Organon को, डॉक्टर हैनमन को एंड अल्टीमेटली टू होम्योपैथी. मेनी ऑफ हिज डिसाइपल्स वर प्रोसिक्यूटेड बाय द कोर्ट फॉर डिस्पेंसिंग देयर ओन मेडिसिन्स. तो यहाँ पे सिर्फ उनकी बुक को क्रिटिसाइज नहीं किया गया, होम्योपैथी प्रैक्टिस को भी क्रिटिसाइज किया गया. उनके जो डिसाइपल्स थे, जो उनसे सीख करके होम्योपैथी प्रैक्टिस करते थे, जो उनके स्टूडेंट्स थे जिनके साथ वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज शेयर करते थे डॉक्टर हैनमन, उन सबको प्रोसिक्यूट करके और क्या किया गया, उन्हें कोर्ट में ले जाया गया. किस लिए? सिर्फ डिस्पेंसिंग देयर ओन मेडिसिन्स. वो अपनी मेडिसिन्स को डिस्पेंस करते थे, सिर्फ इसी बात पर उन्हें प्रोसिक्यूट करके कोर्ट में ले जाया गया. नाउ डॉक्टर हैनमन्स एटीट्यूड. हमने ऑपोजिशन तो देख लिया लेकिन डॉक्टर हैनमन का उसकी तरफ एटीट्यूड कैसा था, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन स्पाइट ऑफ दिस ग्रेट ऑपोजिशन ही वॉज द लास्ट पर्सन टू सरेंडर. ही वॉन्टेड टू शो देम दैट ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ इट. डॉक्टर हैनमन का क्या एटीट्यूड था ऑपोजिशन ऑफ होम्योपैथी को लेकर? वो उस ऑपोजिशन से कभी डरे ही नहीं एंड ही वॉज द लास्ट पर्सन टू सरेंडर. उन्होंने एंड तक भी गिव अप नहीं किया. ठीक है, ही वॉन्टेड टू शो देम दैट ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ इट. वो उस चीज से डरते नहीं है, उन्होंने ये शो कर दिया. हैनमन वॉन्टेड अस द फिजिशियंस टू बी बोल्ड, टू बी करेजियस. डॉक्टर हैनमन फादर ऑफ होम्योपैथी, जो हमारा प्रैक्टिस का सिस्टम है होम्योपैथी जो हम फॉलो करते हैं, डॉक्टर हैनमन हम सारे फिजिशियंस को ये मैसेज देना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो उनके फिजिशियंस हों जो होम्योपैथी फॉलो करते हैं वो बोल्ड हों, वो करेजियस हों. सिंस एवरी लवर ऑफ ट्रूथ everyone willing to know more, to be wise, as every physician is ought to be, has to undergo all types of hardships. कोई भी ऐसा लवर ऑफ ट्रूथ है, कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो हमेशा सच बोलता है, जो हमेशा ऐसे डिसीजंस लेता है जो और लोगों से अलग हो, करेजियस हो, बोल्ड डिसीजंस लेता है, उसे हमेशा हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है, कठिनाई उसकी लाइफ में हमेशा आती है. Hahnemann knew the dangers of being a wise man. डॉक्टर Hahnemann जानते थे कि वो कौन से डेंजर्स हैं जो एक वाइज मैन को सहने पड़ते हैं. He knew the attitude, risk of introducing new ideas, which is against the inborn beliefs and dogmas. वो ये भी जानते थे कि जो रिस्क है आइडियाज को शेयर करने का, पुराने ट्रेडिशनल बिलीफ्स और डॉगमास को के अगेंस्ट जो हो वो कितना मुश्किल है. बट ही वॉज नॉट एफ्रेड ऑफ दोज डेंजर्स एंड रिस्क. वो कभी भी उन सारी चीजों पे बिलीव नहीं करते थे. फ्रेंड्स, आपने ये सुना होगा कि जो होम्योपैथी की प्रैक्टिस से पहले लोग ऐसा मानते थे कि जो बीमारियां हैं वो उनके सेंस की वजह से होती हैं, जो वो पाप करते हैं वो डिजीजेस के फॉर्म में बाहर आता है. दिस वॉज अ बिलीफ. लोग ये मानते थे, जो प्रीस्ट थे चर्च में वो लोगों को ये बताते थे. लेकिन डॉक्टर Hahnemann ने एक मेडिकल साइंस की ब्रांच ओरिजिनेट की थी और वो ऑब्वियसली इट वॉज अगेंस्ट दैट ट्रेडिशनल, अगेंस्ट दैट डॉगमा, अगेंस्ट दैट बिलीव. इसीलिए उनको ये सब सहना पड़ा. बट ही वॉज नॉट एफ्रेड ऑफ दोज डेंजर्स एंड रिस्क. और वो लेकिन कभी भी उन सारे डेंजर्स और रिस्क से नहीं डरे. ही हैड द करेज टू स्टैंड बाय हिज कन्विक्शन. दैट इज वाई Hahnemann रिप्लेस द स्टैंजा ऑफ Galler's पोएम एंड पुट दीज टू वर्ड्स. और वो करेज के साथ बोल्ड होकर अपने कन्विक्शंस की तरफ खड़े रहते थे. इसीलिए जो ऑडे सैप्रे ये कोटेशन है वो उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित कर गई और उन्होंने Galler's की पोयम को रिप्लेस कर दिया इन 2 वर्ड से, जिसका मीनिंग बहुत डीप है, बहुत वास्ट है. कहने को तो ये सिर्फ 2 वर्ड्स हैं ऑडे सैप्रे, बट जो इनका मीनिंग है वो बहुत डीप है, वो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट मीनिंग है. तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर था ऑडे सैप्रे के ऊपर, इसमें हमने समझा कि जो ऑडे सैप्रे का मतलब होता है डेयर टू बी वाइज, और डॉक्टर Hahnemann इसको क्यों उन्होंने रखा, क्यों उन्हें ये लाइन प्रभावित कर गई, क्योंकि डॉक्टर Hahnemann जानते थे कि वाइज मैन होने के लिए कितना डेयरिंग होना पड़ता है. एक इंसान को अगर अपने न्यू आइडियोलॉजी को, ओल्ड ट्रेडिशनल बिलीव्स और डोगमास के अगेंस्ट जो आइडियाज है उनको दुनिया तक पहुंचाना है तो उसे डेयरिंग बनना पड़ेगा. नो डाउट उसकी लाइफ में कितने भी ऑपोजिशंस आए उन्हें उन सब का पॉजिटिवली सामना करना पड़ेगा और ऐसा करने के बाद ही वो अपनी आइडिया को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर सकता है. जिस तरह से डॉक्टर Hahnemann के टाइम की होम्योपैथी की जो आइडिया थी वो आज हमारे तक पहुंच गई है. For daily dose of previous year AIPGT questions, do not forget to follow Inside Organon on Instagram. Link is in the description below. So friends, this is all about today's lecture. In today's lecture, we discussed the meaning of term Aude Sapre. I hope I have made everyone understand. अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. And yes, do not forget to subscribe Inside Organon and click the bell icon so that you never miss any updates from Inside Organon.